how to deal with the issues when you have your own dreams, what you want to accomplish, versus family issues. अगर आपकी family आपके dreams के against है, for example me, I'm an engineering graduate, गलती से, and my father wants me to work in a corporate sector, which I do not want to, and I've been working from last 2 years, but I'm not really happy. और ये सब आप share करना चाहते हो camera में? Yeah, sure you can. अभी जो आप job कर रहे हो वो secured है पूरी, मतलब अच्छी, you're getting good money, good package, everything. Financially. बिल्कुल नहीं सर. बिल्कुल नहीं. सर अभी 5 महीने पहले लास्ट. आगे ग्रोथ नजर आ रही है वहाँ पे. आगे फ्यूचर कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं. फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा. अभी भी कुछ नहीं हो रहा है. बस पेरेंट्स को लग रहा है कि इससे बुरा क्या होगा? सोचने वाली बात है. तो अब प्रॉब्लम क्या रह जाती है? एंड ऑल्सो सर, देयर इज अ कम्फर्ट जोन जहाँ पर आते ही आप थोड़े से ढीले पड़ने लगते हो अपने ड्रीम्स कम्प्लीट करने के लिए. सो दैट्स, हाँ, एक कम्फर्ट जोन है क्योंकि हर महीने के एंड में चाहे वो जॉब हमको पसंद हो चाहे ना हो, बट द पॉइंट इज वहां से महीने के एंड में सैलरी तो आ ही रही है और उस सैलरी के अकॉर्डिंग हमारे खर्चे ऑलरेडी बने हुए हैं. और एकदम से अगर वो आना बंद हो गया तो गए. यही सब डर है ना. टॉपिक क्लियर हो रहा है? मतलब क्या है ये टॉपिक कि अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, बट एक्चुअल में जो टॉपिक है वो फैमिली के सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कम्फर्ट जोन की प्रॉब्लम है. कि चाहे जितना भी बुरा है, जैसा भी है, कंफर्टेबल है. कंफर्ट जोन का मतलब है नोन है, कि हमें पता है. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट. तो हमारा जो माइंड है दैट इज ऑलवेज अफ्रेड, वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द अननोन, क्योंकि पता नहीं वहां पर क्या होगा. तो जैसे ये पता नहीं आ जाता है तो लोग डरने लग जाते हैं. जो भी ऐसा पाथ होता है जिस पर सब चल रहे होते हैं, चाहे वहां पर कितने भी धक्के पड़ रहे हैं, वहां पर कितनी भी मारकाट मची हुई है, वहां पर कितना भी रोना धोना है, लेकिन मैं अकेला नहीं रो रहा, मेरे साथ में सब रो रहे हैं. अरे चलते रहो. लेकिन जैसे कोई ऐसा पाथ नजर आता है जिस पर सब नहीं चल रहे हैं, यानी आपको अकेले चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन. ये बहुत बड़ा फियर होता है. जैसे अगर मैं अभी आप में से किसी को यहां पर स्टेज पर बुला लूं और कहूं बोलो यहां पर आकर के 10 मिनट तक, क्या होगा? डर लगेगा या नहीं लगेगा? पहले ये सोच लेना. मैं एक्चुअली बुलाऊंगा उनको जो बोल रहे हैं नहीं लगेगा डर, क्योंकि ये मत समझना यहाँ पे ये 200-300 फुकरे बैठे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त कैमराज में, लाखों लोग. मतलब मुंह से कोई भी एक गलत बात निकली और आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल जाएगी. टॉपिक ऐसा दे दूंगा कि हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. फोन के ऊपर बोलना है, आओ बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, बोलोगे? अरे लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर अरे. नहीं नहीं बोलना नहीं है मेरे. मुझे डरा दिया आपने तो यार. सही में मतलब यू आर ओके विद स्पीकिंग ऑन इट, ऑन दिस टॉपिक? टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू पॉर्न. अच्छा, और पूरी दुनिया इसको देखने वाली है, यू आर ओके विद इट? आ जाओ आप इधर आओ, बोलो क्या बोलते. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. विश यू ऑल द बेस्ट. सर, मैं जरा सी, व्हेन आई वाज इन एडल्ट 13 to 14 years, तो मेरे घर पे ये होता था कि जैसे मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव सोच होती है थोड़ी फैमिली की, कि जैसे टीवी पे हम बच्चे थे तो ऐड चल रही है, जैसे क्वांटम की ऐड आ गई या सपोज कुछ भी बहुत रोमांटिक से ऐड आ गए, तो सारे मतलब ऐसे हिलने डुलने लगते हैं. मतलब उनको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार बच्चे देख रहे हैं, उनको कुछ मतलब इनसे दूर रखो. तो या तो टीवी बंद हो जाती है या तो वो लोग चैनल चेंज हो जाता है. हाँ, चैनल चेंज हो जाता है, या तो वो लोग वहाँ से मतलब चले जाते हैं. तो थोड़ा अजीब लगता है कि फैमिली इतनी कंजर्वेटिव क्यों है. अभी हम रेप कल्चर की बात करें, जैसे इंडिया में इतने सारे रेप बढ़ रहे हैं, और जब भी गवर्नमेंट बात करती है कि हमें सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. जब भी गवर्नमेंट बात करती है सेक्स एजुकेशन की, तो हमारे जो भी मतलब सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं वो इसे अपोज करते हैं कि दैट इज नॉट आवर कल्चर, दैट इज अ वेस्टर्न कल्चर. बट आज के टाइम में सर ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है. अगर आप पेरेंट्स अगर किसी बच्चों को नहीं सिखाते तो वो इंटरनेट से या किसी भी और मीडिया से वो सीखने ही वाले हैं. तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसको अपने तरीके से अपने बच्चों को उस चीज़ का एजुकेशन दे, तो आगे जाके वो उसको किसी गलत तरीके से कोई उसको ना समझा दे. जैसे कोई लड़की है
मे बी वो 15 to 18 ईयर्स में जाती है तो उसके लाइफ में कोई ऐसा आता है कि जो उसका मिसयूज़ करता है, उसे पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती कि इस चीज़ को लेके क्या रियलिटी है और क्या होना चाहिए. तो मेरा सर आज का थोड़ा इशू ये अभी जो गवर्नमेंट में चल रहा है कि सेक्स एजुकेशन को कैसे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अबाउट देयर प्राइवेट पार्ट्स, व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अब देखो ध्यान से समझना क्या किया इन्होंने. इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते थे. आप में से कौन है जो यहां पर आकर के ऐसे नहीं बोल सकता था या नहीं बोल सकती, बताओ. एनीबडी हु कैन से कि नहीं मेरे को ये बातें नहीं पता है, या मैं ऐसे नहीं बोल सकता, या मैं ऐसे नहीं सोचता. कोई है जिसकी सोच इनसे अलग है, या इन्होंने वही बोला है जो हम सबकी सोच है? यस और नो? यस और नो? एनीबडी हु डिसएग्रीज विद हर? कोई नहीं, सब एग्री करते हैं. एग्री करते का मतलब क्या कि हम भी ऐसी सोचते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है यहां पर आकर के. ये होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना. यही फर्क होता है उन लोगों में जो लाइफ में कुछ ढंग का कर जाते हैं और उन लोगों में जो बैठ करके सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं.